वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑलर टू डिस्कस ऑन टॉपिक ऑफ फार्माकोग्नोसी में हमने क्या पढ़ना है ट्रेडिशनल अब ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होती है जो हमारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन ट्रेडिशनली मीन्स पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं जैसे कि आपने सुना होगा आयुर्वेद का नाम सिद्धा यूनानी होम्योपैथी चाइनीस मेडिसिन तो ये सब क्या है हमारे ट्रेडिशनल है एलोपैथी है एलोपैथी जो भी पहले हमारे ancestral time से चलते आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन तो स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो वट इज ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्चुअली में ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होता है तो अकॉर्डिंग टू डब्लू एच ओ इन्होंने कैसे डिफाइन किया था डब्ल्यूएचओ डिफाइंस ट्रेडिशनल मेडिसिन एज द सम टोटल ऑफ द नॉलेज स्किल्स एंड द प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन थ्योरीज जो भी सम टोटल आपकी नॉलेज का है आपकी प्रैक्टिसेस कोई भी थ्योरीज हमारे विश्वास जो है हमारे एक्सपीरियंसेस जो हमारे बेसिकली एंसेस्टर्स के एक्सपीरियंसेस हैं जो क्या करने में हेल्प करते हैं हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में किसी भी डिजीज का प्रिवेंशन कैसे बचाया जा सकता है किसी डिजीज से कैसे पता लगाया जा सकता है डायग्नोस करना इम्प्रूवमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल इलनेस सो सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेडिशनल मेडिसिन अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट अभी हमने इसमें क्या पढ़ना है हमारे बेसिकली चार सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है आयुर्वेद सिस्टम आयुर्वेद के बाद हम पढ़ेंगे यूनानी होम्योपैथी एंड सिद्धा अदर देन दीज सिस्टम नेचुरोपैथी एंड योगा इज ऑल्सो देयर सो फर्स्टली सो दिस इज ट्रेडिशनल मेडिसिन का ये डेफिनेशन है हमारे अब आयुर्वेद हम करेंगे बेसिकली an so हमारा कंपोज होता है दो कॉम्पोनेंट से वन इज आयुष एंड सेकेंड इज लाइफ आयुष का मतलब होता है लाइफ एंड वेदा मीन्स साइंस सो कम्पलीटली आयुर्वेद को आप कह सकते हो दिस इज अस ऑफ लाइफ एंड दिस इज प्रैक्टिस इन इंडिया ओवर

अगर किसी का किसी को डिजीज हो गई है तो उसको कैसे ठीक करना है और आपकी हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखना है तो अब हम ये सब पढ़ते हैं आयुर्वेद में तो नेक्स्ट चीज आती है प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा आयुर्वेद कैसे काम करता है इसका प्रिंसिपल्स क्या है पंचभूता त्रिदोषा सप्त धातु तीन चीजें आपको याद रखनी है पंच मीन्स फाइव पंचभूता सेकेंड इज त्रिदोषा मीन्स थ्री और सप्त धातु में सेवन सो इन सब का मिक्सचर है प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंचभूता सिद्धांता क्या होता है पंच अभी बताया आपको मीन्स फाइव तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद क्या है एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कम्पोज ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स किससे बना है हमारा यूनिवर्स पांच बेसिक एलिमेंट्स से जिनके नाम है पृथ्वी जल आकाश वायु एंड तेज पृथ्वी रिप्रेजेंट द अर्थ जल रिप्रेजेंट द वॉटर तेजा इज फायर डाइजेस्टिव फायर वायु इज एयर आकाश इज स्काई और ईथर। दिस इज एयर अर्थ ईथर जल वायु आकाश जला ठीक है तो ये सब हमारे क्या है वन टू थ्री फोर फाइव ये फाइव एलिमेंट्स हैं और ये त्रिदोष दोष वात वाक पेतन कफ नेक्स्ट uh, आते हैं क्या है थ्री दोषा थ्योरी को बोलते हैं हम थ्री पिलर्स ऑफ लाइफ अगर इन में से तो कफ एक्चुअली होते क्या है जब इनको बोलते हैं ये ह्यूमन बॉडी में इकट्ठे रहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं पित्त एनर्जी और लिक्विड्स को कफा लिक्विड एंड सॉलिड को वात पित्त एंड कफ जब इकट्ठे होते हैं तो उनको बोला जाता थ्री दोषा और थ्री पिलर्स ऑफ लाइफ और ये माना जाता है कि इन एवरी ह्यूमन बीइंग वैसे ये तीनों प्रेजेंट होते हैं बट इन एवरी ह्यूमन बीइंग वन ऑफ देम इज डोमिनेटिंग एक चीज वात पित्त कफ में से हमेशा एक क्या होता है एक डोमिनेट करता है जो कि हमें बताते हैं प्रकृति पर्सन की क्या है मतलब ट्रेट क्या है अब वाद प्रवृत्ति के हो प्रवृत्ति कफा के जो डोमिनेट करेगा वो बताएगा ठीक तो मतलब है तो वात रिप्रेजेंट एयर इट मेंटेन्स इंटीग्रिटी ऑफ़ द बॉडी एंड प्रॉपर वो पिता कंट्रोल करता है स्टैटिक एनर्जी फॉर होल्डिंग बॉडी टिश्यूज को टुगेदर कैसे रखना है वो कफा डिसाइड करते है, Third, जो है अब हमने पढ़ा पंच धातु त्रिदोषायन थर्ड वन इज सप्त धातु अब सप्त धातु में क्या होता है सेवन फॉर्म्स हैं इसमें रसा रक्ता मैदा मजा शुक्र अस्थि रसा मीन्स लिम्फ रक्ता मीन्स होता है ब्लड मैदा इज फॉर एडिपोज टिश्यू ममसा इज फॉर फ्लैशी स्किन मजा फॉर नर्वाइन टिश्यू शुक्र इज फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अस्थि इज बोन्स

ये सब क्या रहते हैं? हमारे बैलेंस में रहते हैं तो उसको बोला जाता है, हेल्दी जैसे ही इनका हो जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है तो ये सब अप्लाई कर सकते हैं हम ठीक करने के लिए अपनी कोई भी अगर किसी को डिसीज हुई है तो और जो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है आयुर्वेद से रिलेटेड ये सब प्रेजेंट है आपकी चरक संहिता और सुश्रुता संहिता हमारी दो मेन आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं और आयुर्वेदिक फार्मेसी को बोला जाता है विश्वज्ञ ज्ञान और आयुर्वेदिक फार्मेसी में बेसिकली क्या होती है फाइव डोसेज फॉर्म्स होती हैं जिसको बोलते हैं हम स्वरस कलका क्वत हिमा एंड पंत लेकिन बहुत सारी और भी हैं जैसे चूरना अवेला घृता चमन फ्राश जैसे आप खाते हैं कोई त्रिफला चूरन खा रहे हैं संदप भस्म है दीज आर फॉर्मेशन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन मोस्टली ये सब क्या होती है पोली हर्बल फॉर्मोलेशन होती है मीन ये नहीं है कि आपको एक ही आमला हरड़ और बहेड़ा इसमें भी कोई सिंगल नहीं है तो इसलिए ये सब मोस्टली क्या होती है मोस्टली आयुर्वेदिक प्रिपेशन पोली हर्बल फॉर्मुलेशन होती है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए आयुर्वेदिक मेडिसिन के लाइक रवॉल्फियाना एस्पेरेगस रेसिमूसस रावोल्फिया सर्पेंटाइना इज रिसर्पिन जो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है देन एस्परैगस रेसिमूसस शतावरी है केसिया अंगुस्टिफोलिया इस सेना सिसम इंडिकम होल है रेना एंटी डिसेंट्रिक ऑफ विदेनिया सोमनिफेरा अश्वगंधा देन अकोनाइटस स्नैपलेस पाइपर लोंगम इज काली मिर्च सो दिस इज ऑल अबाउट द आयुर्वेदिक एंड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नेक्स्ट सिस्टम इज यूनानी होल वर्ड ऑफ यूनानी अब यूनानी सिस्टम में क्या होता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज आल्सो नोन एज इस्लामिक इसको क्या बोलते हैं इस्लामिक सिस्टम बोलते हैं जो इसका रूट ऑफ दिस सिस्टम गो डीप टू द टाइम्स ऑफ वेल नोन ग्रीक फिलोसोफर जो इसमें हिपोक्रेट्स को बोला जाता है जो फादर ऑफ मेडिसिन है उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है तो इट वाज ओरिजिनेटेड इन द ग्रीस से ओरिजिनेट हुआ यूनानी रिस्टोटल मेड ए वेल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर दिस सिस्टम हिपोक्रेट्स को बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन एरिस्टोटल इज फादर ऑफ एनिमल किंगडम इनका एक बहुत ही वेल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन है इन सिस्टम में इसमें यूरानी सिस्टम के अंदर

वाटर, लिक्विड और प्लाज्मा येलो बाइल। तो अब इसमें क्या रहता है जो हमारा यूनानी सिस्टम है इस सिस्टम में दो थ्योरी है हिपोक्रिट थ्योरी कहती है कि फोर ह्यूमर्स हैं, और पाइथागोरस थ्योरी कहती है फोर प्रॉक्सिमेट क्वालिटी फोर ह्यूमर्स जो हैं, वो हैं हमारे इसमें जो आएंगे ब्लड फ्लेम लाइक ये ब्लड फ्लेम येलो बाइल

बाई द कॉज ऑफ डिस क्या करते हैं कॉज ऑफ द डिसीज क्यू हुई है डिसीज रान गोइंग टू इट सिमटम फॉर दिस पर्पज इसके लिए क्या करते हैं ये हिस्ट्री पेशेंट की रिकॉर्ड करते हैं जैसे कि उसकी पल्स का रेट देखेंगे इनमें कोई ना कोई अगर इम्बैलेंस होता है तो बॉडी आपकी डिसीज होता है उसको और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया जाता है इसमें भी वही पोली हर्बल फॉर्मुलेशन आती है ठीक है यूनानी मेडिसिन में आता है मदार फुलफल गिलो कबाब चीनी करंज कुल्थी लोध सना, तो ये सब क्या है हमारी यूनानी मेडिसिंस नेक्स्ट आता है अब हमारा सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन यू कैन सी हियर ऋषि और सिद्ध जिनको हम बोलते हैं उन्होंने जो डराइव किया था सिद्धा इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन सिद्धा क्या है ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है एंड द टर्म सिद्धास सिद्धास मींस अचीवमेंट एंड सिद्धार्थ वाज सेंट

जैसे आयुर्वेद का था वाला इसमें थ्री ह्यूमर्स एक्शन होते हैं जो स्काई और एयर बनाता है।, पिथम होता है कंट्रोल जो करता है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फॉर्म बाय फायर जैसे जो पित्त था लाइक वात पित्त और कफ वैसा ही है आयुर्वेद सिस्टम में था जो वात हमारे क्या कर रहा है वतम इसमें नर्वस एक्शन को पितम हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को और जो कर्पम है वो कंट्रोल कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी फोन बाय अर्थ एंड वाटर उसको बोलते हैं हम कर्पम ये हमारे सात चक्र हैं सबकी बॉडी में और एक बॉडी और चक्र यहाँ से शुरू हो जाता है सेवन चक्र फर्स्ट चक्र बेसिक रूट मूल मूलधरा देन सेकंड चक्र यहाँ पर है थर्ड चक्र Four चक्र हार्ट में जो प्रेजेंट है चक्र 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 है body है है और और जो जो हमारे बिल्कुल मस्तक पर होता को हम बोलते हैं थर्ड आई पाइनियल बेसिकली ये करता है कंट्रोल तो ये सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इसमें क्या है ये प्री वैदिक पीरियड से है आयुर्वेद की तरह ही फाइव बेसिक एलिमेंट अर्थ वाटर स्काई फायर और एयर होता है इसका कैसे

और कुछ ये ड्रग है सिद्ध सिस्टम की जिसमें आता है अबीनी जिसको बोलते हैं हम जो हमारा ओपियम है उसको अबिनी बोल रहा है तमिल लैंग्वेज है ठीक है हैकेली, नेरी तो ये सब हमारे जैसे अलारी गोमथी धतूरा स्ट्रोमोनियम जो धतूरा होता है उसको गोमथी बोलते हैं एलोबार्बा डेंसिस को एलोवेरा जो रथापोलम बोलते हैं तो ये सब हमारी क्या है सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन नेक्स्ट इज होम्योपैथी अब होम्योपैथी सिस्टम क्या चीज होता है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट सा प्रिंसिपल है ये कैसे डेवलप हुआ था बाय द जर्मन फिजिशियन केमिस्ट नोन इनका नेम है डॉक्टर सैमुल हेनुमन हेनुमन इन एटीन सेंचुरी में आया था ही प्रपोज उसने क्या बोला he proposed that the cause of the disease can itself be its treatment unhone kya bola tha jo aapka cause of disease hai jis wajah se aapko disease ho rahi hai woh hi treatment ho sakti hai above all it does not produce any harmful effects theek hai but woh harmful effect nahi produce karti hai homeopathy system दो greek words से मिलकर बना है. homios means like pathos means treatment like treatment

उन्होंने क्या कहा था क्योंकि सिंकोना ट्रीट करता है वो मलेरिया के सिम्टम भी प्रोड्यूस कर सकता है ही सक्सीडेड वो सक्सीड कर गए थे उसके रेलिवेंट रिजल्ट में इसमें क्या ड्रग ट्रीटमेंट इज नॉट स्पेसिफाइड बट द चॉइस ऑफ ड्रग डिपेंड्स अपॉन द सिम्टम्स इसमें जैसे एक ड्रग एक को कोई प्रॉब्लम है वो ड्रग नहीं स्पेसिफाई करते सिम्टम्स के ऊपर काम होता है इसमें, इसमें। दिस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रूविंग एंड प्रूवर ठीक है हेल्दी पर्सन को बोलते हम प्रूवर जो प्रूव करेगा द सिम्टम क्रिएटेड बाई डिफरेंट डोज ऑफ ड्रग एक्सट्रैक्ट आर नॉटेड विच इज कॉल्ड प्रूविंग सिम्टम्स को नोट किया जाएगा और इसमें स्पेसिफिकली हम फिजिकल मेंटल और इमोशनल चेंजेस देखते हैं प्रूवर में जिसके ऊपर हमने ड्रग दी है वो प्रूवर है और साथ साथ क्या होता है ये सिम्टम्स कंपेयर किए जाते हैं पेशेंट के साथ विद द सिमिलर चेंजेस सिम्टम्स के साथ जो पेशेंट है द सेम टाइप ऑफ एक्सट्रेक्टेड गिवन फॉर द ट्रीटमेंट दोनों को हम तो कंपेयर करते हैं और इस ट्रीटमेंट में क्या मिला था और जो हैं वो मदर होम्योपैथी में देते हैं जो ड्रग्स के एग्जाम्पल है वेजिटेबल एनिमल और मिनरल्स और मेटल्स बहुत दिए जाते हैं इसमें ड्रग्स सेम है हाइसोम एपिकोना ओपियम एरगट एकोनाइट नक्सवोमिका एनिमल ड्रग्स यूज करी जाती है होम्योपैथी में वो आपकी है हनी बीज कैथर कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स में कैल्शियम फॉस्फेट क्लोराइड मेटल्स कुछ आर्सेनिक आता है एंटीमनी एंटीमनीट्रेट सल्फर कॉपर प्लेटिनम फॉस्फरस एलमिनियम ये सब मिनरल्स यूज किए जाते हैं आपके होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ने। नेक्स्ट हमारा आता है चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये हमारा लास्ट सिस्टम है मेडिसिन का चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन यह भी ट्रेडिशनल है सबसे मॉडर्न में आता है आपका होम्योपैथी ट्रेडिशनल इन द्वारा चाइनीज सिस्टम अभी भी चल रहा है एशियन सिस्टम सब बहुत पहले से चल रहा है येलो एम्प्र क्लासिक ऑफ इंटरनल मेडिसिन और इसमें क्या होता है लाइफ नेचुरल लोज है हर बीमारी के लिए नेचुरल नेचर में ट्रीटमेंट दिया हुआ है ट्रेडिशनल चाइनीज जो सिस्टम मेडिसिन का सिस्टम है दो डिफरेंट सिस्टम्स हैं इसमें क्वाइट टू डिफरेंट यिंग एंड थ्योरी और फाइव एलिमेंट्स जो सेम है ंग थ्योरी और फाट सिमिलर टू इंडियन ट्रेडिशन जो हमने आयुर्वेद में पढ़ा था जल वायु आकाश, पृथ्वी ठीक है? तो yin yang theory, क्या कहती है अकॉर्डिंग टू यंग थ्योरी यूनिवर्स इज कम्पोज ऑफ यंग मीन्स वर्ड्स दैट वर फर्स्ट यूज टू डिनोट द डार्क एंड लाइट साइड ऑफ साइड और एक लाइट साइड जैसे ये डार्क और लाइट यंग मतलब हरे का अपोजिट प्रेजेंट है एवरीथिंग इन एंड योंग इनपेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री डे नाइट अप डाउन वेट एंड ड्राई कॉज ऑफ इलनेस इसमें डिपेंड करता है द दैटर्न ऑफ डिसहार्मोनी इम्बेलेंस बिटवीन यिंग एंड और इसमें क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट पे जो काम करेगी और फाइव हैं जो हमारे हमारा इंडियन सिस्टम था। बॉडी like बना लेते हैं According to this system, कि क्यों होती है? एक्सप्रेशन ऑफ इम्बेलेंस होता है जब यंग एंड यांग में डिफिशियंसी हो जाती है एक्सेस हो जाता है फॉर एग्जाम्पल इसका लेते हैं शिवरिंग अकस ड्यू टू द एक्सेस ऑफ जिन किसी को

फॉर्म ऑफ ए कम्फो कोल्डिशनल सिस्टम ऑफ जैपनील स्टिल देशिक आइडिया जो ये वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कम्फो मेडिसिन में ऐसे ही एक कोरियन सिस्टम भी आया तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम है आप नेचुरोपैथी भी पढ़ेंगे आगे योगा भी तो ये सब सिस्टम्स हैं हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ़ मेडिसिन में फ्लावर रेमेडीज भी होती हैं एरो थेरेपी होती है जिसमें हम क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के साथ बहुत सेंटेड बाथ्स लेते हैं जिसमें परफ्यूम्स जैसा फ्रेंच कॉस्मेटिक केमिस्ट थे जिन्होंने टर्म दिया था एरोमा थेरेपी जिसमें सारी के सारी जो भी हीलिंग प्रॉपर्टीज है वो असेंशियल ऑयल की हेल्प से मिलती है सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो